सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की बर्गर। आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने 6 आलू को उबाल कर ले लिया है, ये देखिए, और इतने मटर लिए हमने। गैस पे मैंने कढ़ाई गरम कर रखी है। 1 कप हमने पोहे भिगो के रखे थे 10 मिनट पहले, ये अच्छी तरह भीग गए। आलू टिक्की के अंदर हमको ये भी डालना है। कढ़ाई में हमने मटर डाल दिया है, थोड़ा हम इसका अच्छी तरह से पानी सूखा कर लेंगे। अगर आपको इसमें प्याज डालनी है तो प्याज डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। मैकडोनल्ड्स में मिलता है ना जिस तरह से आलू टिक्की बर्गर, सेम उसी तरह से बनाने वाले। ये फ्रोजन मटर है मेरे फ्रिज के, इसके लिए इसमें थोड़ा पानी था, मैंने रोक के ले लिया था, फिर भी इसमें पानी रह गया। पहले हम इसको अच्छी तरह पानी सुखा कर लेंगे। इसके पानी सूखने का हम यहाँ आलू को कद्दूकस करके ले लेंगे। मटर का हमारा अच्छी तरह पानी सूख गया है, अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। आलू उबालने में हमने नमक नहीं डाला है, थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे। हमने जो आलू को कद्दूकस करके रखा था वो भी हम इसमें डाल दिया और ये पोहा है वो भी हम इसके अंदर, हाथ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे, आसानी होगी अंदर मिक्स करने के लिए। और ये भी हम इसके अंदर डाल, आलू को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब तक ये पूरा मसाला इस आलू में लग नहीं जाता है तब तक हम इसको 5 मिनट के लिए मिक्स करके लेंगे। आलू हमारा अच्छी तरह मटर के अंदर मिक्स हो चुका है। आलू टिक्की के बैटर को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ब्रेड क्रम्स लिया है मैंने, ये चम्मच से मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा, में थोड़ा पानी डाल के हमने इस तरह का घोल बना लिया है आलू टिक्की बर्गर के लिए। अभी हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे हाथ में। और इस तरह से इसको ऐसे शेप दिए। जो साइज के अपने को छोटे बड़े आपको जिस साइज के बनाने के हैं आप वो साइज के बना लीजिए। अब हम इसको कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स। एक टिक्की हमारी बन के तैयार हो गई है, अभी हम इसको प्लेट में इधर रख देंगे। अब हम इसी तरह से दूसरी भी बना के देंगे। ये देखिए दूसरी भी टिक्की हम इसी तरह से बना के लेंगे और पूरी मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने किस तरह बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो भी पूरी देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी हम इसको भी कॉर्नफ्लावर और मैदे के घोल में डिप कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स में भी इसको हम कोटिंग करेंगे। इसको भी हम
दो टिक्की हमारी तैयार होगी, ऐसे हम बाकी सब बना लेंगे। छह आलू में हमारे 19 आलू टिक्की बर्गर तैयार हो गए। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। आलू टिक्की फ्राई करने के लिए गैस पे हमने पहले से ही कढ़ाई गरम कर रख दी थी, तेल भी हमारा अच्छी तरह गरम हो गया। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। सेम पे सेम लग रही है ना मैकडॉनल्ड्स की आलू टिक्की की तरह। ये अच्छी तरह हो गई है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। बाकी के भी हम इसी तरह फ्राई करते हैं। इसी तरह से हम बाकी भी हमारी आलू टिक्की फ्राई करके हो गई है। अब हम इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। पाव को हम थोड़ा अमूल लगाकर सेक कर लेंगे। थोड़ा सॉस लिया है हमने, वो अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेंगे। घर का बना हुआ मेयोनीज लेंगे। एक साइड पे हम मेयोनीज लगाएंगे। हमारी टिक्की रखेंगे और ये प्याज और टमाटर कट किया हुआ। और हम इधर भी मैरिज करेंगे। एक हमारी आलू टिक्की तैयार हो गई है। अब हम प्लेट में इसी तरह से हम दूसरा बर्गर भी बना के लेंगे। आलू टिक्की बर्गर हमारा बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।